हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज हम फिर से देखने वाले हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट की वही बेसिक सीरीज जो हम अभी तक चलाते आ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखेंगे हम आगे के आने वाले क्वेश्चंस। अभी तक हमने जितने भी टाइप्स के फॉर्मूले सीखे हैं या जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले सीखे हैं उन्हीं के बेस्ड पर आज हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि उन फॉर्मूलोज का अप्लाई कैसे किया जाता है। कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, ये तीनों अलग अलग चीज़ों का बेसिक से देखेंगे आज अपन। हमारी लास्ट वीडियोस होने वाली है, कुछ ही बस एक या दो वीडियोस चल रही हैं जो पेंडिंग चल रही हैं अपनी। बोला गया है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है, धन की राशि बताइए। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ये है अपना निश्चित राशि, ये और ये अपनी राशि है कितने वर्षों की, 5 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल पे पहुंचने के लिए मैं सबसे पहले किस में पहुंचूंगा, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, ना तो इसमें रेट दिया गया ना टाइम दिया गया, ठीक है। माना कि इस प्रिंसिपल पी है, स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं पी से। आज से 5 साल बाद जब गया हूं मैं तो मुझे पता चला कि मुझे 520 रुपये मिले। अमाउंट ऑफ 5 ईयर्स इज 520 और अमाउंट ऑफ 7 ईयर्स इज कितना है, अमाउंट ऑफ 7 ईयर 568, ठीक है। इसमें कितना गैप है, 48 का, और टाइम में कितना गैप है, 2 ईयर्स का। तो अब बात यह आती कि सर फॉर्मूले कहाँ है, फॉर्मूले जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला, या तो मुझे डायरेक्ट देखा 2 2 का 48 हो रहा है, मतलब 1 का 24, तो 5 का कितना होगा, 120, 120 माइनस हुआ तो 400 आ गया, आंसर 400। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि फॉर्मूला अपना यूज कहाँ होता है। सबसे पहले मैंने जो चीज आपको बताई थी वो है कि इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल और रेट और टाइम का। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो रेट है और टाइम है उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, मतलब दोनों ही कंडीशन में रेट और टाइम कॉन्स्टेंट रहा है, रेट और टाइम कॉन्स्टेंट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के, इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट टाइम के, टाइम प्रोपोर्शनल होगा, प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट है। प्रिंसिपल 400 आएगा जो भी आंसर आएगा वो, और रेट भी कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये टाइम 2 ईयर्स, तो इंटरेस्ट मुझे 4 ईयर्स मिला। अब ये बताइए अगर मुझे 5 ईयर्स जाना है, अगर मुझे 5 ईयर्स जाना है इंटरेस्ट कितना होगा, 2 ईयर्स में मुझे 48 मिलता है तो 5 ईयर्स में कितना मिलेगा, 2 ईयर्स में 48, 1 ईयर में 24, 1 ईयर में 24, तो मतलब 5 ईयर में 120। मतलब मुझे पता चल गया कि मुझे जो 5 वर्षों के बाद थे मुझे 120 का इंटरेस्ट मिल रहा था, मैंने प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए घटा दिया तो मेरा 400 आंसर आ रहा है। ये दिस इज आर राइट आंसर, 400 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक है सारा। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 2800 और 5 वर्ष में 3000 होता है, साधारण ब्याज की राशि और दर। इसमें एक और चीज पूछ ली वो है रेट। रेट जानने के लिए हम केवल एक काम करेंगे, पहले तो अपना सेम फॉर्मूला की इंटरेस्ट, सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन प्रिंसिपल एंड रेट आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे प्रिंसिपल भी कॉन्स्टेंट है और रेट भी कॉन्स्टेंट है, जो आंसर आएगा वो प्रिंसिपल और रेट रहेगा, मतलब इंटरेस्ट है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए जो सबसे पहले किया जाएगा वो है अपना कि पहले तो फॉर्मेट तैयार किया जाएगा जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखा जाना। तो मैंने लिखा कि प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स, 1 वर्ष में 2800, 5 वर्ष में 3000 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 2800 हुआ ये, और यहाँ पे ये हुआ 3000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर कितना गैप, 2 साल का गैप, मतलब, और यहाँ पर कितना गैप है, 3 साल का। 2 साल के गैप में मुझे मिलते हैं कितना, 2800 3000, मतलब 200 रुपये। 2 साल के गैप में 200 रुपये, तो 1 साल के गैप में 100 रुपये, मतलब मुझे पता चल गया 1 साल में मुझे 100 रुपये ब्याज मिलता है, 1 साल में 100 रुपये ब्याज। ये नोट कर लिया अपन ने ये चीज कि मुझे 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिलना, ठीक है, 1 साल में। अब बताइए कि 3 साल पहले 3 में कितना मिलेगा, 300 रुपये, 2 साल में 200, 3 साल में 300, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, इसमें से घटाएंगे कितना है, 2500। अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज होगा क्या, प्रिंसिपल इंटरेस्ट 100 रेशो
आर और टी, प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल कितना 2500, रेशो आई कितना है अपना, आई अपन 100 लेके चलते हैं एक साल के लिए, 100 को बेस माना मैंने, रेशो आर और टी, 2020 काटी 25 से 100 कट गया चार बार में, और टी अपना बन था तो ये बना गया, तो आर की वैल्यू 4%, मतलब रेट अपनी 4% और प्रिंसिपल अपना 2500, तो एक ही आंसर है केवल सी। तो ये है अपना आंसर। इस टाइप से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो विद इन सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 4000 तथा 4 वर्ष 6 महीने में 5500 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात की। दर के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, उसके बाद दर ज्ञात कीजिए। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ये वाला, 2 वर्ष में 4000 तो 4 साल 6 महीने 2 साल 4.5 साल कितना गैप है 2.5 साल का, मतलब 2.5 साल में कितनी हुई 4000 से 5500, मतलब 1500 रुपये, ढाई साल में 1500, ये बताइए ढाई साल में 1500, 2 साल में 1 साल में तो 25 से काटा तो इधर आया, 25 से काटा ये तो 6 टाइम में 600 रुपये, 1 साल में 600 रुपये ब्याज, 2 साल में 1200 रुपये ब्याज, तो 4000 में से मैं 1200 घटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पर कितना 4000 है, मुझे प्रिंसिपल में जाने के लिए इसमें से 1200 घटाना पड़ेगा, 1200 में घटाऊंगा तो प्रिंसिपल मेरा कितना आएगा, 4000 में से 1200 घटाए तो 2800 आएगा, आया अपना प्रिंसिपल आ गया 2800, प्रिंसिपल मिल गया, समझो कि प्रिंसिपल मिल गया, टाइम भी मिल गया एक साल के लिए, रेट पता करना है, इंटरेस्ट भी पता है मुझे, 1 साल में 600, मतलब प्रिंसिपल मेरा 2800, रेशो प्रिंसिपल होगा इंटरेस्ट अपना 600, इंटरेस्ट अपना कहाँ है 600 है, और रेट 100 बेस माना मैंने, और रेट और टाइम 1 साल, 1 साल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, आर इज इक्वल टू 6/28 × 100, मैंने किया क्या 600 को लिख दिया 6 × 100, आप बताइए कि 2 से काटा 3, 2 से काटा तो 14, 3/14 की फ्रैक्शन मिली, 1/14 की होती है 7.14, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 21.42, क्योंकि 1/14 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7.07 होती है, 7.07 इसकी कितनी होगी 3×7=21, 21.21 इसमें नहीं है अपना, तो आंसर हो जाएगा 7.14 होता है ये, तो 7.14 तो इसका 3× कितना होगा 14 का 42, 7 का 21, तो 21.42 अपना राइट आंसर है, थर्ड 21.42 इज आर राइट आंसर 21.42। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य और सोनू ने क्रम से 4 इयर्स और 3 इयर्स के लिए 5400 और 7200 का इन्वेस्ट किया, उनके द्वारा प्राप्त कुल साधारण ब्याज कितना 3456 है, उनके द्वारा निवेश द्वारा की जाने वाली 3:5 में आर्य ने किस धन पर धन का निवेश किया, मतलब आर्य की रेट बताना है मुझे रेट। इस वाले क्वेश्चन को हम बेसिक प्लस फॉर्मूला दोनों तरीके से देख सकते हैं, पहले देखा इसने क्या किया रेट, ये सॉरी ये टाइम हो गया दोनों का आर और सोनू, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, मतलब मुझे दो चीज पता है प्रिंसिपल इनटू टाइम, प्रिंसिपल इनटू टाइम दो चीज पता है मुझे, और रेट भी मान लेते हैं अपन, रेट का ये रेशो दे रखा है, ठीक है रेट का रेशो भी दे रखा है, साधारण ब्याज 3456 है, वट इज वॉट रेट डिड आर इन्वेस्ट, आर ने इन्वेस्ट किया 3456 टोटल मिला, इंटरेस्ट कितना मिला है ना 3456 टोटल इंटरेस्ट मिला। देखिए मैंने वही चीज आपको बताई कि अगर इंटरेस्ट
क्या है कि इंटर रिसीव्ड बाय देम इज 3456। इसमें चीज कांस्टेंट है वो क्या है, एक चीज कांस्टेंट है क्या, रेट कांस्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट और टाइम, रेट कांस्टेंट तो सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम। मतलब जो प्रिंसिपल इनटू टाइम का रेशियो होगा वही इंटरेस्ट का रेशियो होगा। मतलब कि प्रिंसिपल एसआई के रेशियो के लिए मुझे क्या किया जाना चाहिए, रेट का भी दे रखा है तो रेट का भी लिख लेंगे अपन इसमें, रेट का भी ऐड कर देंगे इनटू आर करके। ठीक, प्रिंसिपल इसका 5400 इनटू प्रिंसिपल, इसका टाइम, इसकी रेट कितनी है 3 टाइम 4 रेशो, इसका टाइम, इसका प्रिंसिपल कितना 7200, इसकी रेट कितनी है 5 3.5 है तो इसकी 5 हो गई और टाइम इसका 3 है। नेक कर लिया, 20 से 20 कैंसिल किया, 18 3 54 1872 ये आ गया। 4 से 4 कैंसिल किया, 3 से 3 कैंसिल किया, कितना बचा 3 और 5 बचा बस, 3:5। मुझे आर का फाइंड करना है आर की, तो ये दोनों का 3 और 5 8 का सम, 8 की वैल्यू आ गई अपने पास 3456। सिंपल इंटरेस्ट की रेशो दे रखी है 3456, क्या है दोनों का टोटल इंटरेस्ट, और मेरे पास आ गया आर्या का 3 इंटरेस्ट और इसका 5 इंटरेस्ट था, इसका ये सोनू का 3:5, मतलब दोनों का सम 3:5, 3 + 5 = 8 की वैल्यू 3456, 3 की वैल्यू, मतलब आर्या का इन्वेस्ट कितना था, इंटरेस्ट सॉरी कितना आया आर्या का इंटरेस्ट 8 6 8 8 6 32 8 3 24 8 3 16 432 × 3 432 × 3। दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ आर्या। मुझे एक बात पता चल गई कि आर्या ने इतने इन्वेस्ट किए थे, अब मुझे रेट ऑफ फाइंड मिल जाए रेट। तो रेट के लिए अपना सबसे बेसिक फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं, प्रिंसिपल इसका 5400, इसका इंटरेस्ट मुझे पता चल गया 4 32 × 3, इसका 100 बेस माला, रेट मुझे फाइंड करना है, टाइम इसका कितना है 4 इयर्स, मेरा आर्यन ने 4 इयर्स के लिए किया है। फिर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल की, 4 से ये काटा 4 1 4 0 8 आया गया, तो 54 से ये काटा कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 2 × 3 6 आर की वैल्यू आ गई 6, रेट एज 6% मिल गई, डायरेक्ट आंसर आया कि रेट 6% है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि सर्वेश ने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 75 रुपए ऋण लिया, 1% अधिक पर 45 रुपए ऋण लिया, 3 वर्षों के बाद 1575 का भुगतान किया साधारण ब्याज के रूप में, ज्ञात कीजिए कि उसने 45 रुपए किस दर पर लिया। एक व्यक्ति था, पहले उसने 7500 ली, मतलब 7500 रुपये उधार लिए, फिर 1% अधिक रेट पर, रेट मान लो आर थी तो 1% अधिक रेट पर उसने 4500 रुपये फिर से उधार ले लिए, और एंड में जाके टोटल वो एंड में दे देता 4500 रुपये, टोटल कितना दिए 1575 का भुगतान किया 3 वर्ष के बाद में, समझो। मतलब मैं बता देता हूँ, 4500 रुपये उसने 4500 रुपये लिए, उसने कितने साल के लिए, एक साल के अपन मानते हैं कि 4500 रुपये लिए आर की रेट से, ठीक है 8% की रेट से, और 8% लिख लेता हूं मैं, और उसने आर प्लस 1 रेट कर दी, आर रेट में 1 जेड कर दिए, लिखा है देखो 1% अधिक पर 4500 रुपये लिए, ठीक है 4500 ले लिए। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट बताओ 1575 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 इयर्स का इंटरेस्ट है, 1 ईयर के लिए 1575, मतलब 1575 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1575/3 3 5 15 25, तो 4500 आर, ये आर है इधर भी आर है तो आर मैंने कॉमन ले लिया, 4500 प्लस
कितना था ये? 7500 था यहाँ पे, 7500, 7500 प्लस ये 4500, क्योंकि देखो 4500 का आर में गुणा करेंगे तो आर आएगा, तो आर मैंने कॉमन ले लिए, प्लस 4500 एज इट इज बराबर में कितना आएगा? कहीं मिस्टेक हुई है इसमें, 3 साल के लिए प्रवेश ने प्रति साल ब्याज की निश्चित दर 75 रुपये ऋण लिया, एक दर पर 75 ली, 3 वर्षों के बाद उसने 1575 का भुगतान किया, उसके 4500 रुपये किस दर पर लिया? 7500 रुपये 8% की रेट से ली उसने, ठीक है, अधिक पर 1% अधिक कर ली, सॉरी, आर का मतलब यहाँ क्या है? आर परसेंट का मतलब है यहाँ पे, आर मतलब क्या? आर बटा में 100, आर प्लस 1 बटा में 100, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो मतलब एंड में 75 प्लस 45 हो, यहाँ इतना बचेगा बस, ठीक है, मतलब 75 और 45 कितना होगा? 75 प्लस 45 एक कितना हो जाए? 120, मतलब 120 गुणा आर, 525 में से 45 गया तो कितना आएगा? 25 गया, 20 बचा तो 480, बचा। आप 120 गुणा आर इक्वल टू 480, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी? 4। ये अपना राइट आंसर हो गया 4। इसके बाद कुछ थोड़े से क्वेश्चन बचते, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बचता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टोटली, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की अगली स्टेप, जिसमें हम कंपाउंडिंग करना सीखेंगे, इंटरेस्ट जो आएगा उसकी कंपाउंडिंग कैसे होती है वो सीखेंगे अपन। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।